सरायकेला खरसावां जिले के तिरुलडी पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने तिरुलडी थाना क्षेत्र के चौड़ा गांव निवासी कलाकार गायक कुंदन गोप ने 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में से मुख्य रूप से बादल घोष, बानेश्वर नामता, राजेश नामता, सुनील कुमार महतो, मुगुल पुराण शामिल हैं। इनमें अपराधी बादल घोष, बानेश्वर नामता, राजेश नामता का आपराधिक इतिहास रहा है। बताया जाता है कि 18 जुलाई को कलाकार कुंदन कुमार गोप ने तिरुलडी थाने में आरोपियों के विरुद्ध लिखित शिकायत की थी, जिसमें बताया कि 2 अलग अलग मोबाइल से फोन कर 10 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी मिला था, जिसके बाद पीड़ित ने अगले दिन मामले की लिखित शिकायत तिरुलडी थाने में की। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, 1 देसी कट्टा जब्त कर लिया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जिला SP ने बताया कि इन लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय हिरासत भेज दिया गया है और इन लोगों पर पूर्व में राज्य एवं अन्य राज्य के विभिन्न जिलों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। कल दिनांक 21 जुलाई को करीब 7:30 बजे के आसपास ये गुप्त सूचना मिली कि तिरुलडी थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय लापांग, बड़ा लापांग में कुछ अपराधकर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु थाना प्रभारी तिरुलडी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल द्वारा जब मध्य विद्यालय बड़ा लापांग पहुँचकर छापामारी किया गया तो विद्यालय परिसर से ही 5 अपराधकर्मियों को हिरासत में लिया गया। तो जब उनसे विधिवत जब उनकी तलाशी ली गई, उनके पास से 1 अवैध कट्टा, 2 जिंदा गोली, 5 मोबाइल और 2 बाइक्स वहाँ से बरामद हुई। अग्रिम पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि ये 5 अपराधकर्मी वहाँ पे शामिल होकर जो निमडी तिरुलडी मार्ग है वहाँ पे किस डकैती की घटना को कारित करने की योजना बना रहे थे। और जब बाद में इनसे फर्दर पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया है कि तिरुलडी थाना में ही कुछ दिन पहले एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और नहीं मांग दिए जाने पर उससे जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस रंगदारी मांगने के क्रम में जो मोबाइल फ़ोन और जो सिम इस्तेमाल हुआ था वो मोबाइल फ़ोन और सिम भी इन अपराधकर्मियों के पास से बरामद किया गया है। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है उनका नाम बादल घोष है, राजेश नामता है, मुगल पुराण है, सुनील कुमार है और बानेश्वर नामता है। इसमें बादल घोष, राजेश नामता और बानेश्वर नामता इन तीनों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनको आज विधिवत गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय को लोकल स्तर पर अपराधी हैं या फिर इसमें से जो बादल घोष है पश्चिमी बंगाल से है और ये वहीं किसी कांड में वांटेड भी है। इसमें बागमुंडी में भी इसके विरुद्ध था, बागमुंडी थाना में भी कांड दर्ज है और तिरुलडी में भी अभी कांड संख्या 1924 रंगदारी मांगने के संबंध में भी इसके विरुद्ध दर्ज है। और बाकी जो अपराधकर्मी हैं उसमें से 2 तमाड़ से हैं, 2 चांडेल से। थैंक यू।